मेरा नाम डॉक्टर खेम बत्रा रेवाड़ी रेवाड़ी से है। क्या मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? ऐसे हमारी मांग ये है कि ये हमारी गवर्नमेंट है ना, ये कुछ लोगों के बहकावे में बार बार हमारे लोग को तंग करती है। इन लोगों ने हमें पहले भी अरेस्ट किया हरियाणा गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह हम 6-7 साल के लड़ते सुप्रीम कोर्ट से हमारे को इजाज़त मिली थी कि ये लोग एजुकेटेड है, इन्होंने ये पढ़ाई की है, इन्होंने जिस बात की डिग्री ली है, डिग्री में हमारा मेंशन है, ये सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे पर केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाज़त दी कि आप कर सकते हो। अब फिर दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट फिर दोबारा ये केस ले आई है जो ऑल इंडिया पे लागू है, पहले से हरियाणा पे लागू किया था इन्होंने। तो हमारी मांग है हमारे उचित कार्रवाई किया जाए और हमें हमारा उचित वो दिया जाए, हक है वो दिया जाए। हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से एक दफा केस जीत चुके हैं। अपॉइंटमेंट मिलेगी तो वो कंसल्टेंट के पास जाएगा, एमबीबीएस के पास जाएगा, तो उसकी कंसल्टेंट फीस कम से कम मेरे गांव में 300 से 500 रुपए है। ये 15 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा, मेरे गांव से मेरे को वहां तक गाड़ी का खर्चा करके आना पड़ेगा। उसके बाद 300-500 रुपए का कंसल्टेशन फी दे के मैं उनके पास जाऊंगा, तो उनको तो ठेके बराबर समझने वाला नहीं है, वो बोलेंगे सर दुख रहा है भैया, तो आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सरे निकालना पड़ेगा, सर दर्द हो रहा तो हेयर का सिटी स्कैन भी करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर इन्वेस्टिगेशन तो उनकी कलम चलती ही नहीं है। तो 300-500 रुपए इन्वेस्टिगेशन के पैसे, और आपने अगर प्रिस्क्रिप्शन देखा है किसी कंसल्टेंट का तो कम से कम 10 दवाएं रहती है उसमें, वो दवाएं का खर्चा जो मेरे पास आके एक गरीब किसान 50 या 100 रुपए में ठीक हो जाएगा, अपने काम में निकल जाएगा, अपने काम पे निकल जाएगा, वो 1000-1200-2000 रुपए खर्चा करके भी ठीक होने की गारंटी नहीं है भैया। तो दोस्तों ये हालत है, आज मेडिकल ऑफिसर्स खेतों में खलिहानों में जो गांव में वो काम करते हैं, उनको बीएससी में मेडिकल ऑफिसर्स नहीं मिलते, वहां भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। आज 108 एम्बुलेंस सर्विस है, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में 108 एम्बुलेंस पे जो लोग काम करते हैं 3000 डॉक्टर, सारे के सारे 3000 डॉक्टर बीएएमएस है, एक भी एम्बुलेंस डॉक्टर नहीं, और हर तरह की इमरजेंसी, हर तरह की इमरजेंसी हमारे डॉक्टर्स ये एम्बुलेंस सर्विस देते हैं, वो डिलीवरी भी कंडक्ट करते हैं, वो कार्डियक पेशेंट भी हैंडल करते हैं, वो एक्सीडेंट केसेस भी हैंडल करते हैं, या कोई भी बड़े से बड़े बीमारी का इलाज हॉस्पिटल को ठीक पहुंचाने तक वो करते हैं। आप सबके गांव में हॉस्पिटल्स होंगे, आप सबके गांव में आईसीयू होंगे, मेरे को पता।